केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को सौगात के रूप में दी गई वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरी की गई। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत करने भाजपा के सांसद विजय बघेल व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता स्टेशन पहुंचे और वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। इस अवसर पर रेलवे के DRM संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी ट्रेन की अगुवाई की। इस संबंध में रेलवे DRM संजीव कुमार ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। इस ट्रेन का नाम वंदे भारत है और ये नागपुर से और बिलासपुर के बीच में कल से इसका कमर्शियल रन डेली शुरू होगा। आज ये इनॉग्रल रन है, पहली बार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है और ये पहली ऐसी देश की वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि जिसमें कि कोई मेट्रो सिटी शामिल नहीं है। नहीं तो हमेशा ये मेट्रो सिटी के बीच में अभी तक चल रही थी, जैसे कि बेंगलोर से चली है, दिल्ली से चली है, बनारस के बीच में, दिल्ली बनारस में पहली वंदे भारत चली थी और ये पहली नॉन मेट्रो वंदे भारत है और छत्तीसगढ़ की पहली है। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए और SECR के लिए भी गर्व का विषय है। इसके फायदे तो ये गाड़ी जो है ना नागपुर से चल करके वापस नागपुर सेम डे पहुँचेगी या बिलासपुर से बिलासपुर वापस सेम दिन में वापस आ जाएगी। ये एक वो है व्यापारियों के लिए, यहाँ पे जो आम जनता है उसके लिए ये एक बड़ी राहत है। किसी को रायपुर से नागपुर या रायपुर से बिलासपुर अपना काम एक दिन में ही करके वापस आना है तो वो इस तरह की तेज़ रफ्तार गाड़ियों की सेवा ले सकता है। अभी तक इस मंडल में, रायपुर मंडल की बात कर रहा हूँ मैं, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मंडल है उसमें गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये पहली गाड़ी है जो उसी उन्हीं ट्रैकों के ऊपर 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तो गाड़ियों का परिचालन में समय कम लगेगा और समय कम लगने से जो आम जनता है जो उसको ट्रैवल करने में सहूलियत होगी, जो फायदे मिलेंगे गाड़ी। ये ट्रैक जो फिट हुआ है वो सिर्फ इस गाड़ी के लिए 130 का फिट नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि अपने जिनके भी कोचेज और इंजन 130 में चल सकते हैं उनका भी परिचालन अब 130 रहते हैं। पूरी जितनी गाड़ी तब पहले ये देश में ही असेंबल होती है, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ये गाड़ियाँ का बहुत सारा असेंबली वहीं पर होती है और इसके अलावा अब आगे आने वाली अभी इसी गाड़ी को और जल्दी बनाया जाएगा। अभी करीब महीने में एक गाड़ी बनती है हमारे देश में, जल्दी ही इसमें 2 या 3 गाड़ियों तक भी हम पहुंच पाएंगे और इसमें अभी तक चेयर कार बन रही हैं। रेलवे बहुत जल्दी इसमें स्लीपर कोच भी लेकर के आने वाली है जिससे कि ये गाड़ी फिर लंबी दूरी पर भी चल सके। 180 किलोमीटर तेजी रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन पहली बार किसी बड़े महानगरों से हटकर मेट्रो सिटी की तर्ज पर नागपुर से बिलासपुर तक दौड़ेगी, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहीं लोग ट्रेन के प्लेटफॉर्म में रुकते ही ट्रेन के ड्राइवर से हाथ मिलाकर फूल भेंट करने लगे, तो वहीं लोगों ने ट्रेन में अंदर जाकर इसका अनुभव भी साझा किया। इसके साथ ही ट्रेन को अगले स्टेशन के लिए रवानगी देने भाजपा के दोनों सांसदों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।